नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदू वॉरियर न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मंगलवार 5 अक्टूबर को करनाल के निसिंग में स्थित बैंक ऑफ बड़ोदरा में दिन दिहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के साथ लूट मचा दी। बदमाशों ने 20 लाख की लूट की, लूट के बाद फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 2 बार फायरिंग भी की गई। जब मीडिया से बैंक के कर्मचारियों ने और सिक्योरिटी गार्ड ने बात की तो देखिए कितने डरे हुए दिख रहे हैं ये। महिला कर्मचारी का कहना है कि बदमाश बैंक के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते थे। सूचना मिलते ही एसपी एवं डीएसपी की टीम भी बैंक पर पहुंच गई। गणपति आए, अंदर आए, मास्क पहन के आए थे 3 जने जी। मैं बोले आप क्या करोगे, चेक भरेंगे। जो 15 मीटर है बैंक बंद हो रही है, 4 का टाइम था, तो चेक भरने में इतना मैं उनके पास गया था वहाँ। तो तीनों भी हथियार थे? तीनों हथियार थे, एक पिस्टल थी, 2 रिवॉल्वर थी, 3 लोड थी। तो क्या कितने पैसे ले गए? कम से कम 20 लाख रुपये ले गए। कहाँ से ले करके थे? सब जी, सबको बंद कर दे। हाँ, और कौन सी गाड़ी में? कुछ अंदर भी गोली वगैरह कैसा था जिनके पास? हथियार 2 कट्टे थे, 1 रिवॉल्वर थी। तो मैं उसका कैश कंप्लीट करके बाहर का थोड़ा काम करता हूँ, मैं बाहर बैठी थी। तो जैसे ही आए उन्होंने गन पॉइंट पे लेके मुझे कहा कि कैश दो, कैश पे कौन बैठा है? तो मैं बैठी थी, चाबी दो। तो फिर उन्होंने कहा सारा कैश बैग में डाल दो। तो मैंने सारा कैश बैग में डाल दिया उनके। कहते हैं कि अंदर स्ट्रॉन्ग रूम में भी कैश होता है, सब पता था नॉलेज बैंक के बारे में, स्ट्रॉन्ग रूम में भी कैश होता है बैंक में, स्ट्रॉन्ग रूम से भी हमें कैश चाहिए। गन पॉइंट पे मुझे और इन्हें लेके कीज के साथ हमें अंदर से भी सारा कैश सिक्के छोड़ गए हमें जी। तो वो सारा कैश लेके चले गए। फिर वो कहते कि हमें वीडीआर भी चाहिए, जो कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है वो बताइए। तो हमने कहा हमें नहीं पता। फिर मुझे दोबारा से गन पॉइंट पे लेके वो मंत्र कैबिन में ले गए। तो वो भी ले गए ने, वो फिर हमें कहा हमें नहीं पता कि वो सब ऊपर से कनेक्टेड होता है। फिर उन्होंने वायरिंग वगैरह मोडेम जो भी हमारे इंटरनेट कनेक्शन है सब वो साथ में लेके चले। भाषा कैसी थी मैम उनकी? सर हरियाणवी टाइप थी। फिर हम सबको वो उनका ये कहना है कि लगभग 4 बजे का अराउंड 3 लड़के आए थे और उन्होंने वेपन, जो कुछ लोगों के पास वेपन भी था, 20 लाख के आसपास का एक केस बता रहे हैं जो लोग लेके गए हैं। उस टाइम पुलिस भी यहाँ पर पहुंची थी, अभी पुलिसकर्मियों से बात की जानी शेष है, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने कुछ पकड़ने की कोशिश भी की थी लेकिन वो हाथापाई करके यहाँ से भी भाग गए थे। बाद में हमारी टीमों ने पीछा भी किया आसपास रमाना रमानी गांव तक, बाद में मोटरसाइकिलों से वो गलियों से निकल गए थे, लेकिन अभी भी टीमें हमारी लगी। एक ही मोटरसाइकिल पे आए थे तीनों जी? अभी तक जो जानकारी दी है इन्होंने उसके हिसाब से एक मोटरसाइकिल। तो 20 लाख रुपए लेके? अभी जो इन्होंने बैंक मैनेजर ने जो बताया है वो 20 लाख के। अंदर बंधक बना दिया था पुलिस वालों ने, आगे छुड़वाया सभी को? जो ये बता रहे हैं कि मैं जो भी इनके पास वेपन था तो सभी जो बैंक के अंदर जितने भी लोग थे, चाहे बैंक कर्मचारी थे या जो भी कस्टमर थे, उनको अंदर बंद कर दिया और उसके बाद इन्होंने। सर डीवीआर भी लेकर जाना चाह रहे थे, उसमें कामयाब हुए या नहीं ले गए डीवीआर? देखिए अभी हम जांच कर रहे हैं कि एक्चुअली में डीवीआर लेके गए हैं कि नहीं लेके गए हैं, अभी इसको चेक करवा रहे हैं। तो सीसीटीवी फुटेज मिलेगी तो हमें बड़ी मदद मिलेगी। जो फायरिंग हुई है पुलिस के सामने हुई है, अभी पुलिस कर्मचारी है वो पीछे लगे हुए हैं, तो उन पुलिस कर्मचारी से बात की जानी शेष। तो लोगों से अपील करेंगे अगर कोई भी इनको पहचानता है तो उनकी शिकायत दे सकता है, नाम गुप्त रखा जाएगा, इनाम भी दिया जा सकता है। आम लोगों का सहयोग बहुत अपेक्षित है इस मामले में, अगर किसी को यदि कोई जानकारी हो तो वो जरूर हमारे कर्नाल पुलिस के साथ साझा। बाकी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज के साथ।